हेलो किड्स, ईवीएस का सेकंड चैप्टर नो अबाउट योर बॉडी पार्ट्स। ये एक्टिविटीज़ दी हैं जो फर्स्ट पेज में, जो मतलब आपको जो भी पसंद हो इसमें एक्टिविटीज़, उस पर आपको टिक लगाना है। रनिंग, वॉचिंग टीवी, स्लीपिंग, रीडिंग, ईटिंग, साइकिलिंग, प्लेइंग, एक्सरसाइजिंग, राइटिंग। इन द एबव वम अप एक्टिविटीज, ईच बॉडी पार्ट परफॉर्म्स अ डिफरेंट एक्टिविटी। मतलब हमें अपनी बॉडी को मतलब वार्म अप करने के लिए इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मतलब हमको उससे हर पार्ट को परफॉर्म डिफरेंट प्रकार से किया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट योर बॉडी पार्ट्स। अब हम बॉडी और भी मतलब जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उसके बारे में समझते हैं। आवर बॉडी इज़ लिविंग मशीन। हमारी बॉडी एक मतलब लिविंग मशीन है, यानी कि सजीव है ना। इट इज़ मेड अप डिफरेंट पार्ट्स, या अलग अलग पार्ट्स से बनी हुई। ईच पार्ट हैज़ डिफरेंट फंक्शन टू डू। हर एक पार्ट का अपना अपना फंक्शन होता है काम करने का। सी द गिविंग पिक्चर केयरफुली एंड लर्न नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी शो। अब हम आप देख रहे हो कि मतलब आप पिक्चर में देख रहे हो कि अलग अलग नाम दिए हैं उनको, डिफरेंट पार्ट्स मतलब जो अलग अलग हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं उनके अलग अलग नेम दिए हैं, जिसको हमें मतलब बहुत ध्यान से उनको याद भी करना है। हेयर, हैट, फॉरहेड, नोज, आईज, चिक, माउथ, नेक, शोल्डर, चिन, चेस्ट, आर्म, स्टोमक, वेस्ट, फिंगर, हैंड, थाई, नी, एंकल, फुट, लेग, टो, सोल। ये हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं जिनके डिफरेंट नेम भी हैं, ठीक है। तो इनको हमें लर्न करने हैं, ये सारे पार्ट्स अपनी बॉडी के। All parts of the body have different tasks to do. हमारी जो body के parts हैं ना, जो अलग प्रकार के हैं, उनके अलग कार्य भी होते हैं। Each part of our body help us to do different activities. मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो हमारे कार्य होते हैं उनको हर एक मतलब body की जो प्रत्येक part होता है उसका काम होता है। We have two legs एंड टू फीट। हमारे जो दो पैर होते हैं और दो पैर जो लेग के नीचे जिससे हम चलते हैं, जिसको हम फीट बोलते हैं, ठीक है। तो लेग एंड फीट हेल्प अस टू, तो ये हमारे क्या करती है हेल्प, ये हमें खड़ा स्टैंड करने में, वॉक करने में, चलने में, स्किप यानी कि कूदने में, रन यानी कि दौड़ने में, इन सब में लेग हमारी हेल्प करती है। लेग के साथ फिट भी, ठीक है। तो लेग और फिट हमारी ये दोनों हेल्प करती है किस किस में, स्टैंड, वॉक, स्किप एंड रन। वी हैव टू आर्म्स एंड टू हैंड्स। हमारे पास दो मतलब हाथ होते हैं और दो जो हथेली होती हैं जिन्हें जिनमें फिंगर्स वगैरह रहती हैं, जिसे हैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो आर्म्स एंड हैंड्स हेल्प अस टू। आर्म और हैंड्स हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्या किन किन चीज़ों में हेल्प करते हैं, होल्ड थिंग्स मतलब हाथों के द्वारा हम चीज़ों को पकड़ते हैं, राइट हाथों से हम लिखते हैं, ब्रश अवर टीथ, हम मतलब अपने दांतों को ब्रश करते हैं, ड्राइंग है ना, ड्रॉ हम ड्राइंग करते हैं, कोई भी पिक्चर वगैरह बनाते हैं तो किसके द्वारा बनाते हैं, हैंड्स के द्वारा, ओके। Take a glass and try to hold it in your hand without using your thumb. ये आपकी एक एक्टिविटीज़ है, आप मतलब ये ट्राई कर सकते हो। कि हम बिना हाथों को से पकड़े ग्लास को मतलब थंब से यूज़ कर सकते हैं। यदि हमारा थंब भी ना हो हाथों में तो हम ग्लास को होल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं।
व्हाट डिड यू नोटिस, मतलब ये आप नोटिस कीजिएगा, ठीक है। यू विल फाइंड डिफिकल्ट टू डू सो, मतलब हमें ये करने में कितनी परेशानी होती है। इट मीन्स ईच पार्ट ऑफ अवर बॉडी इज़ यूजफुल इवन इफ इट इज़ टू स्मॉल, मतलब ये पार्ट हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट होता है, क्या थंब, पर कितना यूज़फुल है। यदि ये थंब नहीं हो तो हम किसी चीज़ को होल्ड, मतलब कोई ग्लास वगैरह कोई चीज़ हम उसको पकड़ नहीं सकते। इट इज़ अवर ड्यूटी टू कीप अवर बॉडी पार्ट्स क्लीन, ये हमारी ड्यूटी होती है, हमारा कर्तव्य होता है कि हमें प्रत्येक अपनी बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स को क्लीन रखना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी शुड टेक केयर ऑफ अवर बॉडी टू कीप इट इन गुड कंडीशन, मतलब हम ये इम्पोर्टेंट है कि मतलब ये महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी बॉडी के मतलब हर कंडीशन में अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को मतलब देख उसकी टेक केयर करनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए। डेली एक्सरसाइज हेल्पर्स आवर बॉडी टू स्टे फिट एंड हेल्दी, हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, मतलब डेली व्यायाम करो जिससे हमारी बॉडी को ये स्टे मतलब फिट स्वस्थ रखने में सहायक करता है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब ये पॉइंट्स जो आपके दिए हैं इनको याद रखिए। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड फ्लैश, हमारी बॉडी किसकी बनी है, हड्डियों और फ्लैश मतलब हड्डियों और मांस की बनी है। वी यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू डू डिफरेंट एक्टिविटी, हमारी प्रत्येक बॉडी का पार्ट है ना जो अलग अलग प्रकार से बना हुआ है, जो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है। अब ये एक्सरसाइज हैं आपकी, राइट नंबर वन, राइट एल इन द गिवन बॉक्स एक्टिविटीज डन बाय लेग एंड एच फॉर एक्टिविटीज डन बाय हैंड्स, आपकी जो एल आपको लिखना है बॉक्स में, जो हमारी एक्टिविटीज़ लेग के द्वारा होती हैं वहाँ पर आप एल लिखेंगे, और जो एक्टिविटीज़ हमारी हाथों के द्वारा की जाती हैं यानी कि हैंड्स के द्वारा, वहाँ पर आप एच लिखेंगे। सेकंड एक्सरसाइज आपकी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स, आपको ये वर्ड्स दिए हैं हैंड हेयर टंग फिंगर्स फीट, तो ये आपको फिल करनी है। टंग इज़ फाउंड इन आवर माउथ, टंग हमारे कहाँ होती है, कहाँ पाई जाती है, मुंह के मुंह में अंदर। वी राइट यूजिंग पेंसिल विद द हेल्प आवर फिंगर्स, हमें फिंगर्स क्या हेल्प करती है, पेंसिल को यूज लिखने में यूज मतलब करने में पकड़ने में। हेयर ग्रोज ऑन आवर हेड, हेयर बाल हम कहाँ होते हैं, हेड पर उगते हैं यानी कि हमारे सिर पर। वी पैडल अवर बाइसिकल यूजिंग फॉर फिट यानी कि पैर जो हमारे किस में यूज़ होते हैं, बाइसिकल यानी कि साइकिल को के पैडल होते हैं उसको चलाने में। आई होल्ड थिंग्स विथ माई हैंड, और हाथ क्या हमारे हाथ होते हैं यूज़ क्या करते हैं, कोई चीज़ को पकड़ने में। मैच द फॉलोइंग, अब ये थ्री आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, हैंड लेग माउथ, अब इनके आगे सामने देखिए, मेकिंग थिंग्स, रनिंग, होल्डिंग, जंपिंग, स्पीकिंग, कैचिंग, ईटिंग, राइडिंग, स्टैंडिंग, अब ये सब दिया है आपका, आपको इससे मैचिंग करना है। इन थ्री पार्ट से हम क्या क्या हम वर्क करते हैं, ठीक है, तो आपको उनको मैचिंग करना है। अब नंबर फोर एक्सरसाइज, फाइंड आउट द नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द गिवन वर्ड्स सर्च, अब ये आपके जो बॉडी पार्ट्स दिए हैं इनको आपको सर्च करना है इनमें, ठीक है, तो इनमें आपको हर एक पार्ट आपका आपको मिल जाएगा। किड्स, अब ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क आपको खुद करना है,
जो अभी हमने अभी आगे के उसमें पढ़ा है कि हमारे बॉडी पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, आपने उनके नेम लर्न करें। ये पार्ट्स, कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, राइट करेक्ट नेम बॉडी पार्ट्स इन गिवन स्पेस। ये जो स्पेस मतलब पार्ट्स दिए गए हैं, जो स्पेस खाली मतलब जो खाली जगह हैं, आपको इनमें अपने बॉडी पार्ट्स, बॉडी के पार्ट्स नेम लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। आपका सेकंड चैप्टर यहीं फिनिश होता है।